थोड़ा पीछे सर, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। तो हमारी हम हर टाइप के मैचेस खेलेंगे, बट हमारा एजेंडा है, हम सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए हमने टीम नहीं बनाई है, हम फंड रेज करने की कोशिश करेंगे इस टीम के थ्रू। जो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, बॉम्बे के आसपास भी, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनके पास उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो क्रिकेट खेलें, तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं, तो उन बच्चों को फंड करने के लिए हमने टीम बनाई है। नोबल कॉज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, इसीलिए सब जुड़े हैं। क्या है कि बचपन में हमें भी मौका नहीं मिला, मैं भी इंडियन टीम में खेलना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो चाहता है खेलना उसे मौका मिले, मैं उसके लिए खेलूंगा ताकि वो खेले। ओह माय गॉड, ये सुपर सुपर बुलाया जाके। अरे नहीं यार, ऐसे ही। हां, क्या निकालूं?
अरे नहीं वो बारकोड है वो। हम चाहते हैं कि बहुत सारे टैलेंट उभर के आए जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं और वो नहीं कर पाते, हम उन्हें सब सुविधा देंगे, हम उन्हें जैसे नेट प्रैक्टिस और ये सब, यू नो इट्स नॉट ईजी जाना भी नेट प्रैक्टिस पे, और छोटी छोटी बातें, पैड्स हैं, बैट्स हैं, बॉल्स हैं, सम्स हैं, वो सारी सुविधाएं हम चाहते हैं कि हम सब उन लोगों के लिए खेलेंगे और उन लोगों को ऊपर लेके आएंगे। जी बेसिकली हमने जब ये टीम फॉर्म की तो हम सारे फ्रेंड्स हैं जो एक टीम जोड़ के पास में आए हैं, एंड हमारा मेन एजेंडा ये था कि हम बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ और जो नीडी हैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। एंड जैसा हितेन ने बोला कि हम लोग उन लोगों के लिए कुछ फंड जोड़ना चाहते हैं, मनमीत ने भी यही बोला, एंड इवेंचुअली हम अपना पैशन भी पूरा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम उनके लिए फ़ंड जोड़ पाएँ एंड आगे जाके उनकी मदद हो पाए। तो मेमोरीज ऑब्वियसली सबकी हैं, सब बचपन में खेले हुए हैं एंड उसके बाद बहुत सालों के बाद अब खेल रहे हैं और सब अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में खेल के आज हम यहाँ पे इकट्ठे अलग अलग फील्ड से, अलग अलग फील्ड पे हमारे कैप्टन हैं और सचिन भंडारी जिन्होंने पूरी टीम इकट्ठी करी है और इनके सौजन्य से सारा हो रहा है। एक्चुअली जोर से बोलना पड़ेगा सचिन, थोड़ी टेंशन में है। नहीं नहीं टेंशन तो कल के मैच की है कि कल का मैच का रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन सब लोग अलग अलग इंडस्ट्री से हैं और सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस एक यही है कि एक ग्रुप बनाया जाए और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि सबको जोड़ती है, तो उस हिसाब से एक बस शुरुआत है कि एक क्रिकेट क्लब खोला जाए जहाँ पे जैसे हितेन ने बताया कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाए, जो कि बॉम्बे में काफ़ी मुश्किल है फ्री ट्रेनिंग मिलना, ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आगे हम लोग एक ग्राउंड के लिए भी बात करेंगे जहाँ पे नेट्स होंगी और बच्चों को फ्री ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे कोर्स से फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके सर, प्रैक्टिस सेशन कैसा चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, नेट्स पे तो सबको हम तोड़ देते हैं, ये हमारे फील्ड ऐसे पेस बॉलर हैं, इनकी बॉल आज तक नजर नहीं आ रही हमको, अब कोशिश कर रहे हैं कि बॉल खेलने के लिए, पर एक दिन जरूर खेल पाएंगे। नहीं वो सब नेट प्रैक्टिस के थ्रू ही है, सब लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब लोग टाइम दे रहे हैं तो उस कारण बहुत अच्छा है। और अभी प्लान कर रहे हैं कि एक अकेडमी भी स्टार्ट करते हैं मानसून के बाद, तो जिसमें एक नॉर्मल लोग भी आएंगे जो हमको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम उनको भी जो हमने सीखा तो हम चाहेंगे कि हम उनके साथ भी शेयर करें और ताकि फिर वो हमारे साथ मिलकर चले आगे। स्पोर्टोलिक जी, आई थिंक मैं हर टाइप का स्पोर्ट खेलता हूँ, स्पोर्ट्समैन एंड हम लोग सभी ऐसे हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं, दैट्स वाई वी ऑल कम टुगेदर, सो सब स्पोर्ट्स को छोड़ के जो मेन स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, दैट्स वाई वी ऑल कम टुगेदर एंड इवेंचुअली यही हम चाहते हैं कि इसी से हम आगे कुछ कर पाएँ, और काम तो कर रहे हैं सब अपना अपना लेकिन उसके अलावा दिस इज समथिंग वेयर वी थिंक कि सोसाइटी को हम कुछ दे पाएँ। और ये बहुत अच्छा एनजीओ है पुण्यकर्मा हमारा जो साथ में जुड़ा हुआ है, जो हर साल 400 बच्चों की एजुकेशन फंड करता है, तो वो भी इससे साथ हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनको माध्यम बनाएंगे और बच्चों को ढूंढेंगे जिनको इस फंड की ज़रूरत है, तो हमने बेसिकली हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपना शौक भी पूरा करें और हमारे शौक के थ्रू दूसरे छोटे बच्चों के भी शौक पूरे, बच्चे सिर्फ महाराष्ट्र के होंगे कि महाराष्ट्र के बाहर कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं के ऑल ओवर, ऑल ओवर टैलेंट, टैलेंट देखो कहीं एक जगह का होता नहीं, ऑल ओवर होता है, जहाँ से भी हो जो भी हो जो नहीं कर पाता है उन सबको कराना है, ये मकसद। जी बेसिकली जैसे हमारी टीम के जो लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से, Yes. तो वैसे ही ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हम लोग किसी को स्पॉट कर पाएंगे तो हम उनकी मदद करें। इनफैक्ट अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे कोई बच्चों को जानते हो जो बहुत अच्छा खेलते हैं और बिल्कुल बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे मैंने क्राइम पेट्रोल पे एक स्टोरी देखी थी, एक बच्चा था छोटे शहर से खेलता खेलता बॉम्बे तक आया, उसके बाद एक लेवल तक पहुँचने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे तो वो बेचारा किसी के बातों में आके क्राइम हो गया उससे, तो बेचारा उसको जेल जाना पड़ा, तो मैंने ढूंढ के उस बच्चे को बहुत कोशिश करके निकाला पर वो उस बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाया मैं। तो ऐसे कोई बच्चे अगर आप जानते हैं जो ऐसी जिनको ज़रूरत है तो डार्क हॉर्सेस आगे आके उसको ज़रूर हेल्प करेगी, सो प्लीज़ लेट अस नो। लगान लगान हो गई, लगान रही, चकते रही, लगान चकते हो गई, भाग मिल का भाग है, भाग मिल का भाग है, दीज आर फ्यू फिल्म्स व्हिच वी इवन इवन धोनी, एमएस धोनी वाज वेरी गुड फिल्म धोनी क्रिकेट के ऊपर थी, और अभी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं क्रिकेट के ऊपर, मेरी कॉम एक तो अपनी आएगी डार्क हॉर्स, मेरी कॉम है जो एक फिल्म है, मेरी कॉम हो जाए, मेरी पर्सनल फेवरेट है भाग मिल का भाग, भाग मिल का भाग स्पोर्ट्स लगान ऑल टाइम फेवरेट,
फेवरेट स्पोर्ट्स फिल्म यार, आप कौन से प्लेयर हैं? धोनी बहुत अच्छी, धोनी बहुत अच्छी लगी भाई, लेटेस्ट थी और पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, तो धोनी इज ऑल्सो मैन हु सेट लैंडमार्क्स, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी फिल्मों से इंस्पायर होके कुछ करें, पुण्य कर्मा करें और क्रिकेट एंटरटेनमेंट भी हो, मस्ती भी हो, फिटनेस भी हो और लोगों की हेल्प भी हो। और सचिन, मैं सचिन के लिए बोलूँगा, सचिन द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, तो उन्होंने इनके ऊपर एक पिक्चर बनाई है। कहीं भी जाइए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा नया गाना आया है हीरे, आपने सुना होगा रेस में से, तो क्योंकि हम साथ में तो हम गापू गा के एक लाइन जरूर एंटरटेन जरूर करेंगे कि हम बिना एंटरटेनमेंट के तो रह नहीं सकते। हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रमोशन हर चीज़ ही करते रहते हैं। इसमें इसमें आप दोनों करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सलमान भाई की तरह डांस करेंगे, पहले एक सॉन्ग मारेंगे, एक गाना हो जाए, एक लाइन हो जाए। हाथ छाया रंग तेरे ही ख्याल दा, दूजा कोई वेख्या ना मैं तेरे नाल दा, हीरे हीरे नी नशा तेरा करके, ना पूछ हमें क्या हो गया, ना पूछ हमें क्या हो गया, हीरे नी नशा तेरा करके करके कर कर करके के राजा ये तबाह हो गया, के राजा ये तबाह हो गया, राजा तबाह हो गया लेकिन ढाका से ज्यादा आबाद हो गए। और ऐसे ही बहुत जल्दी अपना भी म्यूजिक आएगा। जी जी, वो एक कॉमेडी फिल्म है जो कृष्णा और मैंने की है, तो ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे हम डार्क हॉर्सेस की बात, बहुत अच्छी फिल्म है वो, और सब देखना जरूर जाइए, रजनीश की फिल्म, और इट्स कमिंग वेरी सून, इट्स कमिंग इन जुलाई। जुलाई जी जी, हम तो घोड़े हैं, हमारे में पेट्रोल डलता नहीं, तो हमें और प्रॉपर डाइट फूड चलता है। क्या बोले अभी, क्या करें और क्या बोले। देखो, जिन चीज़ों पे अपना बस नहीं है अपन उसके बारे में ना सोचते हैं ना बात करते हैं, उसके बारे में अपन वही उसी बारे में बात करते हैं जिसपे अपना बस है, इसलिए अपने को सोच जो वही सोचो जो अपने नहीं कर सकते, खुद का ड्राइव नहीं जो है चलते रहे, वही ड्राइव करते हैं, खुद की बस, खुश रहो, ऐश करो। सारा कुछ करने चला आपका यार, आई थिंक एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा टफ तो है, बिल्कुल टफ है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल लगभग सेम प्राइस के हो रहे हैं एंड 100 रीच करने वाले हैं, तो अब ये रेस है कि कौन पहले पहुंचे, और रेस 3 है अब, रेस 3 जरूर देखिएगा, 4 है पर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस होता है वो सेम होता है, ये हमारे यहाँ पे सब्सिडी की वजह से कम था, बट वो आज नहीं तो कल, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट को बड़ी महंगी पड़ती होगी, इसलिए वो धीरे धीरे मैच कर रहे हैं। हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल कार्स आ जाएँ, और ये जो जो इतना पोल्यूशन भी हो रहा है वो भी खत्म हो रहा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे सब लोग काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हाँ, तो ज़्यादा जरूरी, या कारपूल करें, कारपूल करेंगे तो भी ज़्यादा। हम लोग सब मिल के जब भी मैच खेलने जाते हैं, कल भी जाएंगे, तो हम लोग सब तीन तीन चार चार लोग एक गाड़ी में होके जाते हैं, तो ये सब को सबको करना चाहिए, ट्राई टू सेव फ्यूल, ट्राई टू सेव एनर्जी, ट्राई टू सेव द मनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।